आज हम टर्मिनल कैसे यूज़ किया जाता है ये सीखेंगे। टर्मिनल खोलने के लिए अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करो और लिखो TERMINAL। टर्मिनल इस पर क्लिक करके टर्मिनल खुल जाएगा। टर्मिनल खोलने के लिए आप कंट्रोल, ऑल्ट और टी तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस करके भी खोल सकते हैं। टर्मिनल जब खुल जाता है तो आप देखेंगे कि आप किसी एक फोल्डर के अंदर हैं। हम आपको बताएंगे उसका मतलब क्या है। उससे पहले काफ़ी लोग पूछते हैं कि टर्मिनल हम यूज़ ही क्यों करते हैं। टर्मिनल यूज़ करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा अजीब भी लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे हम टर्मिनल यूज़ करते जाएंगे तो टर्मिनल का फ़ायदा आपको ज़्यादा सामने दिखता रहेगा। अभी सबसे हम बहुत सिंपल कमांड्स इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं। टर्मिनल में फोल्डर को जो जब हम फाइल्स खोलते हैं अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में तो फाइल्स और फोल्डर दिखते हैं, उसी फोल्डर को टर्मिनल की भाषा में डायरेक्टरी कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे हमें देखना है कि हम कौन सी डायरेक्टरी में, यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को टर्मिनल की जब हम छोटा करते हैं तो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म आती है PWD। लिखकर एंटर मारने से हमारे पास प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जाती है, जो इस केस में मेरा होम है, /home/parallels। जब हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर होते हैं तो हम देख सकते हैं उसके अंदर कौन सी फाइल्स है। तो फाइल्स लिस्ट करने के लिए हम लोग लिस्ट से LRS लेते हैं, LS, और हम एंटर मारते हैं तो हमें सारी फाइल्स दिख जाती हैं जो इस फोल्डर के अंदर है। तो अगर हमें इसी को वेरीफाई करना है तो हम अपना फाइल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास होम में जो जो फाइल्स हैं हमें यहाँ पे दिख जाएंगी, जैसे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स, फॉन्ट कॉन्फ़िग, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, यही सारी फाइल्स हमें टर्मिनल में एलएस करने पे दिखाई दी गई थी। अभी हम किसी भी फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं। तो जैसे अगर हमें डेस्कटॉप के अंदर चेंज करना है, यानी डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर चेंज करना है, तो फिर हम कहेंगे चेंज डायरेक्टरी का लिनक्स में या टर्मिनल में कमांड है CD। तो हम CD लिखेंगे और एक हमें बताएंगे हमें कहाँ जाना है। जैसे हमें यहाँ से डेस्कटॉप जाना है तो हम लिखेंगे CD desktop और हम लिखे एंटर मार देंगे। इससे हम डेस्कटॉप के अंदर चले गए हैं। अब हम वापस से क्या कर सकते हैं, PWD, और देख सकते हैं हम कहाँ पर हैं। तो जैसा हमने देखा हम home/parallels/desktop के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर ही हम LS करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो डेस्कटॉप के अंदर नवगुरुकुल का फोल्डर है। इसी को अगर हमें अपने ग्राफिकल इंटरफेस में देखना है तो हम डेस्कटॉप आइकन क्लिक करेंगे तो नवगुरुकुल का फोल्डर है। नवगुरुकुल के अंदर कुछ और फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। वापस टर्मिनल पर आइए, वापस नवगुरुकुल में CD करिए, फिर PWD करके देखिए कि हम कौन सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, फिर LS करके देखिए कौन कौन सी फाइल्स हैं। यही सेम फाइल्स हमें हमारी डायरेक्टरी हमारे ग्राफिकल इंटरफेस से दिख जाएंगी। अभी वापस जाते हुए हमें देखना है कि CD के करने के भी बहुत तरीके होते हैं। जैसे अगर हम एक फोल्डर पीछे जाना चाहते हैं, अगर हम इसे अपने इंटरफेस में समझ रहे हैं तो ऊपर होम, डेस्कटॉप, नवगुरुकुल से डेस्कटॉप पे जाने के लिए जब मैं सिर्फ डेस्कटॉप करता हूँ तो मैं एक फोल्डर पीछे चला जाता हूँ। इसके लिए CD की कमांड होती है CD ... तो अब मैं डेस्कटॉप आ गया। सिमिलरली अगर मुझे डेस्कटॉप से होम पे जाना है तो मैं एक स्टेप और पीछे आ गया, ऐसे यहाँ पे CD ... मैं होम पर आ गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कमांड होता है CD में, जब हम CD करके एंटर मार देते हैं। CD करके एंटर मारने से हम अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं। इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम CD desktop जाकर नवगुरुकुल के फोल्डर जाकर हम आ जाते हैं, अब हमारे पास ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अब अगर हम यहाँ से सीधा अपने होम पर आना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे CD एंड एंटर, हम सीधा home/parallels में आ गए थे। एक और छोटा शॉर्टकट जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है वो ये होता है कि हम CD space -, लिखे जब एंटर मारते हैं तो हम पिछली वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाते हैं। पिछली वर्किंग डायरेक्टरी यानी वो वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे हम लास्ट टाइम थे। और जैसे हम अगर हम वापस CD -, करेंगे तो क्या होगा, हम वापस होम पे चले जाएंगे। हम वापस CD -, करेंगे तो क्या होगा, जहाँ से हम लास्ट टाइम आए थे वहाँ चले जाएंगे। CD ... से क्या होता है, हमेशा हम एक फोल्डर पीछे जाते हैं। CD -से क्या होता है,
हम ऑल्टरनेटिवली जहाँ से आए थे हम वहाँ जाते रहते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो हमें बनानी पड़ेगी वो होती है कि सीडी में पाथ कैसे देते हैं, फाइल का पाथ कैसे देते हैं। जब हमने कहा यहाँ से सीडी नव गुरुकुल, तो ये नव गुरुकुल कैसे बना? तो नव गुरुकुल या फिर कोई भी फाइल पाथ देने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एक एब्सोल्यूट पाथ, एक दूसरा तरीका होता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ वो पाथ होता है जो पूरा उसका एड्रेस होता है, जो हम PWD यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड से मिलता है। तो जैसे इस नवगुरुकुल डायरेक्टरी का पूरा पाथ है /home/parallel/desktop/नवगुरुकुल। अगर हमें इसे समझना है अपने ग्राफिकल इंटरफेस में, तो हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे जाएंगे। ये हमारी रूट डायरेक्टरी बोलते हैं इसे, स्लैश डायरेक्टरी, cd/ls किया तो हमारे बस रूट डायरेक्टरी की फाइल्स आ गई। यही सेम फाइल्स हमें यहाँ मिलेंगी। हम इसी में यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो हमारे बस होम में जो सारे यूजर्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहीं पर अगर हमने सिमिलरली होम किया, हम बस होम के यूजर्स आ गए पैडल्स। जब हमने होम पे क्लिक किया, पैडल्स पे क्लिक किया, हम बस इस यूज़र की सारी फाइल्स आ जाएंगी। सिमिलरली हमने पैडल्स पे क्लिक किया तो इस यूज़र की सारी फाइल्स आ गई। अगर हमें डायरेक्टली किसी पाथ पे जाना है तो हम उसका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वाला पाथ डाल देंगे, जैसे कि डेस्कटॉप वाला पाथ था। तो अगर हम ये पाथ डालते हैं तो cd/home/parallels/desktop/navgurukul, तो हम सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरा तरीका होता है जब हम किसी के रिलेटिव पाथ डालते हैं। रिलेटिव पाथ, रिलेटेड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी तरीके से किसी चीज़ से एसोसिएटेड या रिलेटेड होते हैं। तो जैसे डेस्कटॉप फोल्डर मेरे होम फोल्डर से रिलेटेड है क्योंकि वो उसके अंदर है, तो हम रिलेटेड फोल्डर्स को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं कहकर कि यार आप सीधा डेस्कटॉप फोल्डर में चले जाइए। या डेस्कटॉप में जैसे हमारे पास नवगुरुकुल फोल्डर है तो हम कह सकते हैं आप सीधा नवगुरुकुल फोल्डर में चले जाइए। बहुत सिंपल है ना। तो रिलेटिव पाथ का मतलब जब हम किसी रिलेटिव फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो जैसे यहाँ से फोल्डर वन एक रिलेटिव पाथ है, अगर हमें फोल्डर वन, अगर हमें पीछे रहने में क्या करेंगे cd:// और पीछे रहें और cd:     अगर हमें डायरेक्टली फोल्डर वन पे जाना है तो हम कह सकते हैं कि अगर रिलेटेड जैसे कहेंगे तो हम कहेंगे cd:desktop, तो डेस्कटॉप से रिलेटेड नवगुरुकुल, नवगुरुकुल से रिलेटेड फोल्डर वन। वापस आते हैं, अगर मैं एब्सोल्यूट वे के जाना है तो बोलेंगे cd/home/username जो हमारी इसमें पैरेलल्स है, फिर डेस्कटॉप, नवगुरुकुल, फोल्डर वन। इन दोनों कमांड से सेम ही चीज़ होगी। एक और इम्पॉर्टेंट कमांड जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो है कैसे डेस्कटॉप पे हम किसी भी फोल्डर के अंदर हम और फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर बनाने के लिए हम कहते हैं मेक डायरेक्टरी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है mkdir, mk मेक से ndir डायरेक्टरी से। तो मेक डायरेक्टरी बना, मेक डायरेक्टरी करके हम सिर्फ डायरेक्टरी नाम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा जैसे नव गुरुकुल या फिर ट्यूटोरियल, एंड हम ट्यूटोरियल डायरेक्टरी बन गया। हम ट्यूटोरियल फाइल के अंदर जा सकते, डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। अगर हम अपने इंटरफेस में आके देखें तो हम देखेंगे कि डेस्कटॉप के अंदर एक ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बन गया होगा जो अभी खाली है। तो अब हम एक मिनट में जल्दी से रिवाइज करते हैं, अगले ट्यूटोरियल में हम और चीज़ें सीखेंगे। सीडी से हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं, ls से हमें फाइल्स देखते हैं, pwd से हम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ देखते हैं, मेक डायरेक्टरी से हम कोई डायरेक्टरी बनाते हैं, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए, मेक डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी। इसके अलावा सीडी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हमें एक से पीछे आना तो हम कहते हैं cd:// अगर हमें रिलेटिव किसी फोल्डर में आना तो हम कहते हैं cd फोल्डर का नाम, और हम फोल्डर के अंदर और ज़्यादा जा सकते हैं जैसे न्यू डायरेक्टरी इसके अंदर फोल्डर था। अगर हमें देखना है कि इसके अंदर क्या क्या फोल्डर्स हैं तो हम cd:tutorial लिख के हम टैप करेंगे तो कंप्यूटर, जैसे अगर हम बैक करें और बैक करें, cd:t लिख के हम अगर टैप करेंगे तो कंप्यूटर हमें कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो आप बस कुछ लेकर या खाली छोड़ के भी आप cd पर टैप करने की कोशिश करना, कंप्यूटर आपको ऑप्शन देगा। जैसे मैंने सिर्फ cd टैप किया तो मेरे पास दो ऑप्शन आए, मैंने cdn लिखा, यहाँ पे लिखा तो मेरे पास सिर्फ नवगुरुकुल अपने आप से कंप्लीट कर दिया। फोल्डर के बाद से यहाँ पे मेरे को बताया फोल्डर वन और फोल्डर टू है, तो आई कैन जस्ट सेव वन, फिर मेरे को आगे बढ़ सकता हूँ। फाइनली हमने देखा कि कैसे हम एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू भी किसी फोल्डर पे कि या किसी भी
फोल्डर में जाके जा सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। आप फिर से इसे ढंग से अच्छे से रिवाइज किए करें CD, PWD, LS और मेक डायरेक्टरी। फिर मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।